वहाँ रिटर्न्स तो छोड़िए, अगर हमारा प्रिंसिपल ही डूब गया तो क्या होगा? वेंडर को पैसा नहीं देना चाहिए, वो पैसा हमें आना चाहिए। इसके लिए कोई रेगुलेटर है क्या इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए, कि अगर कोई बायर या सेलर यहाँ पे डिफॉल्ट कर देता है? कस्टमर एंड से हुआ, सेलर एंड से हुआ। दिस स्टार्टेड एज अ नीच प्लेटफॉर्म फॉर HNIs। मान लीजिए कि ट्रेड क्रेडिट डिफॉल्ट कर देता है तो लोगों के इन्वेस्टर्स का पैसा का क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे एसेट योगी टॉक्स सीरीज के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और हम किस बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में? आपको ध्यान होगा हमने लास्ट वीक वीडियो करा था जिसमें हमने इनवॉइस डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था। बहुत सारे वहां पे कमेंट्स आए हमको और काफी सारे जेन्युइन कंसर्न्स आए लोगों को, क्योंकि जब 12-13% के फिक्स रिटर्न्स कहीं पे प्रॉमिस होते हैं तो जेन्युइन सी बात होती है वहां पे सेफ्टी एक काफी बड़ा कंसर्न हो जाता है, कि हम कहीं पे पैसा लगा रहे हैं वहां रिटर्न्स तो छोड़िए, अगर हमारा प्रिंसिपल ही डूब गया तो क्या होगा? साथ में टैक्स लायबिलिटी किस तरीके की रहेगी, कोई रेगुलेटर है कि नहीं इस पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के लिए? तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और मुझे लगा इन सारे सवालों के जवाब आखिर कौन दे सकता है, कौन इसके लिए बेस्ट पर्सन हो सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना को-फाउंडर्स को ही हम पूछें कि वो क्या इन सारे सवालों के जवाब देना चाहेंगे। तो मैं स्वागत करूंगा कुणाल टेकवानी का, जो को-फाउंडर है ट्रेड क्रेड के। सो वेलकम कुणाल टू द शो। हाय मुकुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एक्साइटेड, या let's begin with the questions. Okay, so my first question is कि यहाँ पे income tax liability से related लोगों ने काफी सवाल पूछे कि किस तरीके का यहाँ पे tax liability हमारी बनेगी, जैसे कि stocks के अंदर, bonds के अंदर, mutual funds के अंदर सब capital gains tax आ जाता है, तो यहाँ पे किस तरीके की tax liability बनती है? So as a platform हम TDS deduct नहीं करते हैं, आपको pre-tax returns मिलते हैं, तो आपके खुद के slab के हिसाब से और the nature of income of the investor के हिसाब से ये deduction इन्वेस्टर के एंड पे होएगा, ट्रेड क्रेडिट के एंड पे कोई डिडक्शन नहीं होता। ओके, सो ये जो आप कह रहे हैं टैक्स, ये बेसिकली इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से लगता है। अगर किसी की मान लीजिए बिजनेस इनकम है या फिर अदर इनकम है तो वो उनके इनकम में ऐड हो जाती है। ओके, सो इंटरेस्ट वाले पोर्शन पे बेसिकली टैक्स लगेगा एज पर द इनकम टैक्स स्लैब, राइट? इंटरेस्ट नहीं, अर्निंग बोलते हैं इसे, अर्निंग पोर्शन को आप टैक्सेबल के हिसाब से देखा जाएगा, अर्निंग ऑन द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव डन। ओके, राइट। सो यहाँ पे एक और हमारे पास टैक्सेशन रिलेटेड सवाल आया है जो है जीएसटी रिलेटेड, कि जीएसटी एप्लीकेबल किस तरीके से होगा यहाँ पे, जैसे कि इन्वेस्टर पैसा दे रहा है सेलर को, फिर फाइनली अमेजोन अगर मान लीजिए कोई बायर है, बायर कंपनी है, वो पैसा दे रही है अगर किसी इन्वेस्टर को, तो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कैसे बनती है यहाँ पे? ओके, सो मुकुल, जीएसटी एग्जेम्प्ट है यहाँ पे बिकॉज ये इनवॉइस इज टू बी कंसिडर्ड एज एक्शनेबल क्लेम, तो जीएसटी कंप्लीटली यहाँ पे एग्जेम्प्ट है अंडर द जीएसटी एक्ट। ओके, और इनफैक्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो था टैक्स के ऊपर और द जीएसटी क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन के लिए हमने डेलॉयट से ओपिनियन लिया है एंड उसके बेसिस पे हमने ये फाइनलाइज किया है। ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे एक और हमारे पास काफी सवाल आया है लोगों का कि किस तरीके के यहाँ पे चार्जेस लगते हैं, क्या कोई एनुअल चार्जेस हैं प्लेटफॉर्म के या और भी जो भी चार्जेस लगते हैं? मान लीजिए अगर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है उनको 12% पर एनम का है, तो क्या कुछ उसके अंदर से ट्रेड क्रेडिट काट के देता है उनको? ओके, सो चार्जेस अगर आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन, एडिंग मनी इन वॉलेट, विड्रॉइंग मनी या एनुअल मेंटेनेंस, ऐसा कोई भी चार्ज ट्रेड क्रेडिट आपको चार्ज नहीं करेगा। सिर्फ ट्रांजैक्शनल चार्जेस होते हैं ट्रेड क्रेडिट के इन द फॉर्म ऑफ TC चार्जेस, और वो भी एक्सक्लूड होने के बाद एक इन्वेस्टर को प्लेटफॉर्म पे नेट रिटर्न ही दिखता है। अगर बात की जाए ट्रांजेक्शनल चार्जेस की, तो ये वेरी करता है वेंडर टू वेंडर, और ये जो भी एल एच सी, अगर आज मैं बोल रहा हूँ कि एक डील में ट्रांजेक्शनल चार्ज 1% है, तो वो साल का 1% है, तो डील अगर 3 महीने का है तो ये 1% नहीं रहेगा, ये 0.25% हो जाएगा। या ओके, अच्छा हुआ इनफैक्ट आपने ये एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि काफी लोगों ने ये भी सवाल पूछा था कि अगर हमको 3 महीने में क्या 1% का चार्ज देना पड़ जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेफ्टी रिलेटेड और रिस्क रिलेटेड क्वेश्चंस की, इनकी तो काफी भरमार आई है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं कुणाल चाहूंगा कि आप इनको जरूर डिटेल में आंसर करिए यहाँ पे। इनफैक्ट मैं आपसे चाहूंगा कि आप पहले एक पूरा अपना रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस बताइए कि कैसे आप रिस्क मिटिगेट करते हैं। सो जो भी इनवॉइस रेज होता है एंड कस्टमर पे, जो ब्लू चिप कंपनी होती है, वो इन्वॉइस वहाँ से वेरीफाई किया जाता है कंपलसरी। आफ्टर वेरीफिकेशन के बाद ही वो इन्वॉइस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होएगा फॉर डिस्काउंटिंग, दैट इज़ वन। सेकेंडली, प्लेटफॉर्म पे एवरी डील में एक डील रिपोर्ट होता है, ये डील रिपोर्ट में आपको वेंडर के डिटेल्स और वो किस पे इन्वॉइस रेज कर रहा है, उस क्लाइंट के डिटेल्स, कस्टमर के डिटेल्स, ट्रैक पेमेंट रिकॉर्ड जो होता है वो आपको दिखेगा कि पिछले जब से वेंडर हमारे साथ है उसका ट्रैक रीपेमेंट रिकॉर्ड
कैसा है, कितना पेमेंट्स टाइम पे हुए हैं, अगर कुछ डिलेज हुए तो कितने दिन से डिले हुए हैं। अदर देन दिस, रिस्क मिटिगेशन में इनवॉइस का ऑथेंटिकेशन लिया गया है, एडिशनल सिक्योरिटीज़ हमने कुछ लिए हैं कि नहीं, ये एस्क्रो मैकेनिज्म्स कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं, ये सारी डिटेल्स आपको डील रिपोर्ट में मिल जाएंगे। एंड ये डील रिपोर्ट एक छोटा एनालिसिस है जो ट्रेड क्रेड इन डेप्थ करता है, लेकिन ये कंप्लीट एनालिसिस डालना पॉसिबल नहीं, तो हम इसको एक जिस्ट में दे देते हैं डील रिपोर्ट के फॉर्म में इन्वेस्टर को, कि वो खुद ही कॉल ले पाए कि ये उन्हें उन्हें इन्वेस्ट करना है या दे वांट उनको रुकना है कोई और बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जी। ओके, इनफैक्ट आपने ये एस्क्रो अकाउंट के बारे में भी यहाँ जो बात करी, इससे रिलेटेड भी कुछ सवाल आए थे, तो ये एस्क्रो मैकेनिज्म से कैसे रिस्क मिटिगेट होता है, क्या प्रोसेस रहता है यहाँ पे? सो अगर पैसा, लेट्स से बिल रेज हुआ अमेजोन से, सो वेंडर ने बिल रेज कर दिया, अमेजोन ने इन्वॉइस कंफर्म किया, अभी अमेजोन कंफर्म करने के बाद वापस वेंडर को पैसा नहीं देना चाहिए, वो पैसा हमें आना चाहिए, या बेसिकली ICICI बैंक में आना चाहिए, जो हमारा ट्रांजैक्शनल मैनेजर है एंड अलॉन्ग विथ हमारा कस्टोडियन। ओके, जब पैसा एस्क्रो में आता है तो वेंडर का उस पर कोई राइट्स होता नहीं है, तो वेंडर उस पैसे को वापस यूज नहीं कर सकता, वो पैसा बिलोंग्स टू इन्वेस्टर, जो एस्क्रो में आते ही इन्वेस्टर्स को उनके अर्निंग के साथ उनके वॉलेट्स में ऐड कर दिया जाता है, एंड फिर इन्वेस्टर्स का कॉल होता है टू विदड्रॉ और यू नो री इन्वेस्ट। ओके, ऑल राइट, सो यहाँ पे एक और काफी हमारे को कॉमन क्वेश्चन आया है कि इसके लिए कोई रेगुलेटर है क्या, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स के लिए सेबी है हमारे पास, बॉन्ड्स में भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, कॉमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो सेबी आ जाता है, रियल एस्टेट में भी आज की डेट में लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो रेरा आ जाता है, लोन्स के लिए RBI है, तो क्या इसके लिए कोई रेगुलेटर है आज की डेट में, और अगर नहीं है तो किस तरीके से यहाँ पे किस तरीके के अग्रीमेंट्स होते हैं, और अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो किसको करी जा सकती है अगर किसी तरीके का कोई इशू होता है तो? जी, जो फर्स्ट सवाल था कि रेगुलेटर, सो प्रोडक्ट लेवल पे कोई रेगुलेटर है नहीं, बिकॉज इसका रेगुलेशन अभी तक आए नहीं है, दैट इज वन। सेकेंडली, इसको और लीगली या और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर वे के हिसाब से हमने इसमें आधार ऑथेंटिकेशन किया है, और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्ट्रक्चर में आते हैं, और आधार ऑथेंटिकेशन के साथ ये द स्ट्रेंथ इनका इतना ज़्यादा हो जाता है कि टुमारो अगर कुछ एनी इशू या कुछ भी लाइबिलिटी होता है तो इन्वेस्टर हाईकोर्ट तक इस अग्रीमेंट्स को लेके जाके एक लीगल कॉल ले सकता है। सो यस, ओके, सो ये जो आप अग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये अग्रीमेंट्स कोई यूजर कहाँ पे देख सकता है? कुछ अग्रीमेंट्स यूजर को जैसे ही वो लॉग इन करते हैं, जैसे वो रजिस्टर हो जाते हैं, कुछ अग्रीमेंट्स उनको इनिशियल दिख जाते हैं, लाइक मास्टर बाय अग्रीमेंट जो उन्हें वन टाइम साइन करना होता है। अदर देन दिस, जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उन जैसे ही इन्वेस्टमेंट होता है और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट हो जाता है, उसके सेकेंड्स में उनको एक मेल शूट होता है, उस मेल में ऑल दी अग्रीमेंट्स जो सेलर ने साइन किया है, जो इन्वेस्टर ने साइन किया है, और जो ट्रेड का साइंड अथॉराइज सिग्नेटरी ने साइन किया है, ये सारे अग्रीमेंट्स उनको चले जाते हैं। ये अग्रीमेंट्स अगेन आधार ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म से साइंड होते हैं, सो कम्प्लीटली लीगल। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि अगर कोई बायर या सेलर यहाँ पे डिफॉल्ट कर देता है, अगर मान लीजिए बायर है, मान लेते हैं अमेजोन है फॉर एग्जाम्पल, और एक तरफ सेलर है कोई XYZ एंटरप्राइजेज है, इन दोनों में से अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो उस केस में क्या होगा? सो डिपेंड करता है डिफॉल्ट किस टाइप का है, और डिफॉल्ट का जो किस एंड, कहाँ एंड से हुआ है, कस्टमर एंड से हुआ है, सेलर एंड से हुआ है। अगर अमेजोन ने इन्वॉइस ओके किया है, अगर डिफॉल्ट, लेट्स से अगर अमेजोन ने इन्वॉइस ओके किया है, गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट किए हैं, सो उनके बाद भी अगर वो इन्वॉइस रिजेक्ट कर रहे हैं या कोई रीजन से पे नहीं कर रहे हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं पेमेंट के लिए, तो ट्रेड क्रेड ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर एंड अलॉन्ग विद द सेलर जाके उन पे लीगल फाइलिंग कर सकते हैं। एंड और इन केस अगर सेलर डिफॉल्ट करता है तो भी ट्रेड क्रेड ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर उन पे लीगल क्लेम कर सकते हैं फॉर दी मनी। बात लेकिन फिर भी बात रही डिफॉल्ट की, तो अभी तक जस्ट बिकॉज ट्रेड क्रेड मेजरली डील करता है ब्लूचिप कंपनीज या ब्लूचिप कंपनीज के स्ट्रक्चरिंग या इन्वॉइस में, तो हमने अभी तक ये डिफॉल्ट फेज नहीं किया है जब से कंपनी शुरू हुई है फ्रॉम लास्ट 3 years, एंड ये बस यही मैकेनिज्म फॉलो करना है आगे। ओके, सो आप अभी कह रहे हैं कि अभी तक कोई इन्वॉइस पेमेंट किसी भी इन्वेस्टर की डिफॉल्ट नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई इन्वॉइस पेमेंट डिफॉल्ट नहीं हुआ, इन शॉर्ट कोई भी इन्वेस्टर ने अभी तक अपना पैसा लूज नहीं किया है। मान लेते हैं कि अभी तक तो खैर कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, थोड़ा जब कंपनी ग्रो करती है तो और भी शायद कंपनीज आ जाएंगी,
तो फिर भी हमारे को आई थिंक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं वो प्रोसेस और थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा कि अगर बाई चांस लेट से अमेजोन डिफॉल्ट नहीं कर रहा है और यहाँ पे कोई अमेजोन की जगह कोई दूसरी कंपनी है, मान लीजिए कि कोई ABC कंपनी है, और वो आपने हो सकता है अच्छे से वेट कर लिया, उसका ड्यू डिलीजेंस भी कर लिया, और खुदा ना खास्ता वो किसी इनवॉइस पेमेंट पे डिफॉल्ट कर देती है, उस केस में क्या होगा? क्या सेलर की लायबिलिटी फिर भी रहेगी? और सेलर से आप किस तरीके की कोई सिक्योरिटी रखते हैं या कैसे इंश्योर करेंगे कि वो पेमेंट करेगा? सो अगर एंड क्लाइंट ने डिफॉल्ट किया है, सो अगेन आई सेड कि हम ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स और सेलर के साथ मिलकर उन पे केस फाइलिंग कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑल द अग्रीमेंट सेइंग कि उन्होंने इनवॉइस एक्सेप्ट किया है। अदर देन दिस हम एडिशनल सिक्योरिटीज भी लेते हैं, विच जो अगेन आपको डील रिपोर्ट में सब डिटेल्स दिए जाते हैं कि वो एडिशनल सिक्योरिटीज क्या है। अदर देन दिस अगर उसके बाद भी पैसा कस्टमर से आ नहीं रहा है, जो एंड कस्टमर है, तो हम सेलर को एक टेन्योर देते हैं फ्रॉम जो 15 से 30 या 45 डेज तक होता है कि इस टेन्योर में आपको पे करना है, बिकॉज प्राइमरी रिकॉर्ड जो होता है वो सेलर पे होता है, और अगर वहाँ से पेमेंट नहीं आया तो हम फिर और आगे लीगल वे में इसे मैनेज करेंगे। बट अभी तक तो ऐसा कुछ केस हुआ नहीं, बट ये नॉर्मल प्रोसेस है, हमारा प्रोटोकॉल है। ओके, सो यहाँ से हमारा एक और सवाल आता है, काफी लोगों ने ये पूछा कि अगर मान लीजिए कोई 3 महीने के पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके बाद क्या वो ऑटो रिन्यू हो जाती है डील? मान लीजिए अगर कोई 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो, या फिर उसका पैसा वॉलेट के अंदर आ जाता है और उसको फिर दोबारा से डील एक खरीदनी पड़ेगी? ओके, सो इस पे डिपेंड करता है कि वो क्या डील खरीद रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो खरीदने से पहले आप डील रिपोर्ट देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कि वो क्या जीरो कॉस्ट डील है या वो ऑटो रिन्यू डील है। अगर वो ऑटो रिन्यू डील है तो यस, वो री इन्वेस्ट ऑटो रिन्यू हो जाएगी, और वो ऑटो रिन्यू नहीं है तो आपको ऑन अ डे ऑफ द मेचोरिटी, जो टेंटेटिव डे दिया होता है, उस दिन आपको फंड्स आ जाते हैं या उससे पहले, अलॉन्ग विथ योर अर्निंग्स, एंड देन फिर आपका कॉल होता है उसको री इन्वेस्ट करना है या विदड्रॉ करना है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैसे इन्वॉइसेज हैं, काफ़ी लोगों ने पूछा कि ये इन्वॉइसेज हम कहीं पर चेक कर सकते हैं कि हम कौन सी इन्वॉइसेज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं? सो वेंडर्स के साथ हमारे NDA होते हैं कि हम हर सेंसिटिव डेटा शेयर नहीं कर सकते, बट यस, काफ़ी वेंडर्स का जो इन्वॉइसिंग होता है वो 1,000, 2,000, 10,000 इन्वॉइसेस भी होता है। अभी 10,000 इन्वॉइस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टर्स को देना इम्पॉसिबल है। सो जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो एक अग्रीमेंट में उनको वो डेटा सब आ जाता है। सो एक इन्वॉइस में जो मेजर इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, इन्वॉइस नंबर, डेट, वैल्यू, व्हेन वाज इन्वॉइस रेज्ड, ये मेजर डिटेल्स हम ऑलरेडी जब इन्वेस्टर खरीदता है तो अग्रीमेंट्स में होते हैं, वही अग्रीमेंट इन्वेस्टर के साथ शेयर किया जाता है। एक और बहुत कॉमन सवाल आया हमारे पास कि क्या गारंटी है कि हमारा पूरा पैसा वापस मिल जाएगा मैच्योरिटी पीरियड के बाद? सो हम लोग सेलर से, इसमें दो चीज़ आप देख सकते हैं मुकुल, एक तो ये कि हम सेलर से SPDCs ले लेते हैं, जहाँ पे इनकेस अगर वो फंड्स नहीं दे पा रहे हैं या एंड कस्टमर से पैसा नहीं आया और सेलर से भी फंड्स आने में इश्यू आ रहे हैं, तो हम SPDCs लेके PDCs मतलब पोस्ट डेटेड चेक्स, सिक्योरिटी पोस्ट डेटेड चेक्स, SPDC या PDCs बोल सकते हैं आप, उनको हम बैंक कर सकते हैं, एक ये। दूसरा, हम ऑलरेडी कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है उससे पहले वो एक बार रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड देख ले तो उसे ज़्यादा कंफर्ट आएगा, बिकॉज जिस क्लाइंट ने या जिस बोरोवर ने या जिस कस्टमर ने लास्ट 1,000-2,000 पेमेंट्स टाइम पे किए हों और सामने कोई ब्रांड गोदरेज या ICC जैसा है, तो आई डोंट थिंक सो वहाँ पर ये इश्यूज होंगे, लेकिन अगर होते भी हैं तो जो मैंने आपको पता है कि हम चेक्स बैंक कर देंगे। इनफैक्ट कुछ लोगों ने ना कुणाल कोर्ट भी करा कि उन्होंने कोरा पे रिव्यूज़ पढ़े हैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग के, काफ़ी लोगों को लॉस हुआ है, लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस वहाँ पे शेयर करे हैं, और मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है, देखिए अगर इस तरीके के अगर किसी ने सही में लॉस बियर करा है तो उसका जेन्युइनली कंसर्न वैलिड है। तो आपका क्या कॉमेंट है इस पर कि अगर इस तरीके का रिस्क है और ट्रेड क्रेडिट का कैसा वहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क जो आप है कैसे मिटिगेट करते हैं, आपका कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग? एज ऑफ नाउ ट्रैक रिकॉर्ड हैज बीन वेरी गुड, कोरा में अगर रिव्यूज़ हैं तो कोरा में ट्रेड क्रेडिट के बारे में भी रिव्यूज़ हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, एंड येस लोगों ने पैसा ऑफकोर्स नुकसान हुआ है, बट नॉट ऑन आर प्लेटफॉर्म, हमारे प्लेटफॉर्म पर नहीं। अभी तक हमने ना कोई इन्वेस्टर्स का पैसा लूज़ किया है, हमारा स्ट्रक्चरिंग या हमारा मैकेनिज्म या हमारा क्रेडिट इवैल्यूएशन बोल सकते हैं कि हमने वी हैव मेंटेन इट वेरी वेल और जो आगे चल रहा है, बट आई थिंक सो आवर एंड सो एंड द फ्यूचर एक्सपीरियंस जो होएगा इन्वेस्टर्स के लिए, आई थिंक सो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि अभी आपके यूजर्स काफ़ी कम हैं,
प्ले स्टोर पे लोगों ने कहा कि आपके 10,000 से कम यूजर्स हैं और रेटिंग भी 4 से कम है, सो व्हाट डू यू वांट टू कमेंट? सो ये प्लेटफॉर्म जब स्टार्ट हुआ था, ये दिस स्टार्टेड एज अ नीश प्लेटफॉर्म फॉर HNIs और बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हु हैज द कैपेसिटी, जो 50 लाख से यहाँ उससे ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं. हम रिटेल के लिए फिलहाल लास्ट कुछ महीनों या एक साल से उस टाइम पीरियड में ओपन हुए हैं. तो आई थिंक सो इसको टाइम ये इसके लिए एज ए रीज़न शायद अभी तक सिर्फ 10,000 है, बट आई थिंक सो ये जैसा हमारा पॉपुलैरिटी आ रहा है अभी आई थिंक सो ये आई थिंक सो इंक्रीज होते रहेगा. बट अगेन ये स्टार्ट हुआ था जस्ट फॉर HNIs, तो इसके लिए शायद इनिशियली सिर्फ स्पेसिफिक यूजर्स थे, बट अभी इट इज़ ओपन टू पैन इन्वेस्टर्स, रिटेल, HNIs, फैमिली हाउस, एवरीवन. सो या ओके ओके. सो इफ आई मे आस्क, आपका जो एवरेज पर यूजर एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो कितना है अप्रोक्सीमेटली? फ्रॉम अ रिटेल परस्पेक्टिव इट कुड बी एनीवेयर बिटवीन 1 लाख टू 4 लाख. अ वेरी न्यू रिटेल यूजर जिन्होंने आई थिंक सो बहुत रिसेंटली जॉइन किया हो, इफ यू टॉक अबाउट HNIs देन डेफिनेटली 50 लाख एंड अबव, अल्ट्रा HNIs अ करोड़ एंड अबव, और फैमिली हाउस एंड स्मॉल कॉर्पोरेट ट्रेजरीज मोर देन 10 करोड़. सो यहाँ पे एक और सवाल आया है कुणाल कि ई आधार में साथ में पासवर्ड भी मांगा जा रहा है, तो वो कितना सेफ है, उस पर आप क्या कॉमेंट करना चाहेंगे? सो पहला तो हम पासवर्ड तब मांगते हैं अगर उनका जो नॉर्मल आधार कॉपी है उस पर मोबाइल नंबर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम इन्वेस्टर्स को बोलते हैं आप ई आधार डाउनलोड कीजिए और हमसे शेयर कीजिए. डैट इज़ वन. सेकेंडली शेयरिंग पासवर्ड इज एज गुड एज शेयरिंग आधार कॉपी, और जो पासवर्ड है ई आधार का डैट इज़ कॉमन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स जिनका भी आधार है कि फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ योर नेम इन कैपिटल और बर्थ ईयर, तो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ. वी आर कम्प्लीटली मैनेजिंग द सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ डेटा, तो ये कम्प्लीटली सेफ. ओके. और फाइनल क्वेश्चन एक और आता है, वो मैंने शायद लास्ट के लिए बचा के रखा था, कि अगर ट्रेड क्रेड खुद ही डिफॉल्ट कर देता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब आप लोग मेरे ख्याल से पॉजिटिव हैं, नेट कैश पॉजिटिव हैं, मेरे ख्याल से बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, बट फॉर सम रीजन मान लीजिए कि ट्रेड क्रेड डिफॉल्ट कर देता है, तो लोगों के इन्वेस्टर्स का पैसा का क्या होगा? इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं इनवॉइस, पैसा मुझे नहीं आ रहा है, पैसा जा रहा है वेंडर्स को, पैसा ट्रेड क्रेड नहीं उठा रहा है. सो ट्रेड क्रेड कर अगर डिफॉल्ट करता है या भाग जाता है या कंपनी बंद हो जाती है, तो उस ऑफकोर्स नई डील्स लिस्ट नहीं होंगे, वो एक प्रॉब्लम होएगा, लेकिन जो डील्स एग्जिस्टिंग है उनका जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है, जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि सारा कैश फ्लो मैनेजमेंट ICICI बैंक और हमारा कस्टोडियन देखता है, तो वो हिसाब से पेमेंट्स आप सबको टाइम पे आ जाएगा, वेदर ट्रेड क्रेड एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट. आई थिंक दैट्स फेयर इनफ, और मेरे ख्याल से आपके ऑनेस्ट आंसर्स भी थे काफ़ी, और मैंने वैसे कोशिश करी है कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको हमने पूरा असेंबल करके, ये कुछ हमने 15-16 क्वेश्चंस बनाए थे आपके लिए. सो आई होप लोगों को भी इससे काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी और काफ़ी लोगों के जो बहुत कंसर्न्स थे वो कुछ दूर हुए होंगे. और डेफिनेटली मेरा मानना है कि देखिए हर इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो जीरो रिस्क हो जाए, कुछ ना कुछ उसके अंदर रिस्क होता है. एक लेवल पे रिस्क कंपनी मैनेज करती है, उसको मिटिगेट करती है, और एक लेवल पे आई थिंक लोगों को खुद भी रिस्क मिटिगेट करना चाहिए. वो जब डील्स देख रहे हैं तो खुद उनको अच्छे से स्टडी करें और पूरा का पूरा जो भी उनको रिपोर्ट पढ़ने को मिल रही है उसको अच्छे से पढ़ें, जब वो कंफर्टेबल हों उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, और अगर फिर भी कंफर्ट नहीं आता है तो ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हर कोई अपने हिसाब से देख सकता है कि उसके लिए उस टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है. आपका क्या कहना है उसके बारे में कुणाल? परफेक्ट. आई थिंक सो ये एक पर्सनल कॉल है, ये एक पर्सनल अप्रोच है, ये एक पर्सनल इंटरेस्ट है. सो या आई थिंक सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एक ग्रोइंग मार्केट है, डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, पर अगेन विद सिक्योरिटी सेफ्टी एंड सो इट्स पर्सनल कॉल कम्प्लीटली. राइट. सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर कुणाल एंड आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चन. सो मेरे ख्याल से सारे ही व्यूअर्स को काफी ज्यादा फायदा मिला होगा इस वीडियो से. थैंक यू सो मच मुकुल फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. थैंक यू. और अगर किसी को अभी ट्रेड क्रेड में इन्वेस्ट करना है तो लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और हमारे पुराने वाले वीडियो का भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू. थैंक यू.